हेलो एवरीवन माय नेम इज़ रिद्धि इस लेक्चर में हम लोग पी एस आर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग पेपर वन सेक्शन बी एनालाइज़ करेंगे पेपर वन सेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ आप पुराने लेक्चर्स में जाके देख सकते हो अच्छा हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं जस्ट बिकॉज Uh, हमें ये पता लग सके कि क्या इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेपिटेटिव नेचर के हैं और टॉपिक्स uh, या क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्वेश्चन अगर वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं हुए तो थोड़ा सा घुमा के उसका लैंग्वेज बस चेंज किया हुआ है बट पूछा वही सेम चीज़ हुई है तो यहाँ पर क्या है वही सिमिलर चीज़ें पूछी हुई हैं सिमिलर टॉपिक्स पे पूछे हुए इसी वजह से हमारे लिए जो हम हर लेक्चर में uh, करते आ रहे हैं और बोलते आ रहे हैं कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे सबसे पहले हम 2022 के क्वेश्चन को एनालाइज़ करते हुए देखेंगे कि कहाँ वो क्वेश्चंस पूछे हुए थे पुराने क्वेश्चंस में तो आपको थोड़ा सा ना आइडिया लग जाएगा कि हम लोग किस तरीके से तैयारी कराते हैं तो सिनॉपसिस पे जितने भी नोट्स बनते हैं पी uh, के भी जो भी नोट्स बने वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हैं अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि पुराने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे बस सिलेबस का टॉपिक का पार्ट है तो अगर कोई चीज़ सिलेबस में किसी टॉपिक में दी हुई है तो वो टॉपिक तो आपके लिए करके जाना ज़रूरी ही है क्योंकि यूपीएससी उसमें से पूछेगा ही पूछेगा अभी चालीस साल में नहीं पूछा है तो हो सकता है आगे पूछ ले अगले साल पूछ ले तो इकतालीस सालों में हो जाएगा समझ रहे हो आप पर पूछेगा ज़रूर तो टॉपिक करके जाना आपके लिए ज़रूरी है इसी वजह से सिलेबस आपको देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और सिलेबस में भी कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें से अगर आपको ये समझना है कि कैसे आएंगे उसके लिए ऑथेंटिक बुक्स हम लोगों ने रेफर की है अब वो बुक्स आप या तो आप पूरा पढ़ोगे अगर आपके पास इतना टाइम है तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कोचिंग का काम यही होता है कि एक जगह आपको कंपाइल करके पूरा मटेरियल मिल जाए तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर और सिलेबस पर बेस करके और जो भी टॉपिक्स प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं वो सारे Uh, एक ही जगह कंसोलिडेट करके नोट्स बनाए हैं जो आपके लिए रेफर करना ज़रूरी है ऑल राइट सो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर फाइव वन फिफ्टी वर्ड्स में लिखना है तो uh, दस नंबर का ये क्वेश्चन है एनालाइज द वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में वर्कर्स मूवमेंट कैसी चल रही थी तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है अगर आपने uh, अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है ठीक है वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आपको मिल जाएगा पेपर वन यूनिट इलेवन में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा बट स्टिल ये क्वेश्चन अगर आपने जी एस वन अच्छे से प्रिपेयर किया है मेंस आप काफ़ी बार ये देखोगे अगर पी एस आई आर का आपने सिलेबस पूरा अच्छे से कर लिया ना तो आपके जी एस वन टू इनके क्वेश्चन बहुत आराम से बनेंगे ठीक है तो काफ़ी क्वेश्चन आप देखोगे कि जो मेन्स के पेपर में आते हैं वो पी एस आई आर अगर आप देखते हो तो उसमें वर्ड टू वर्ड भी रिपीट हुए क्वेश्चंस क्वेश्चन के पी एस आई आर का एक क्वेश्चन मेन्स uh, के क्वेश्चन में वर्ड टू वर्ड भी रिपीट हुए हैं तो ऐसे भी हुआ है और uh, साथ में मेन्स अगर आप अच्छे से करके गए हो मेन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो वो क्वेश्चंस आपको पीएसआईआर में भी कई बार वर्ड टू वर्ड रिपीटेशन मिल जाएगा बिकॉज टॉपिक सेम है न्यूज़ में भी अगर आप आईआर की भी बात करते हो इंटरनेशनल रिलेशन में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो लगातार न्यूज़ में चल रहे हैं तो उस पर भी क्वेश्चन अगर पी में आ सकता है तो वही सेम चीज़ जी एस में भी आ सकती है ना तो इसी वजह से काफ़ी रेपिटेशन देखा गया है इवन मेन्स और पी दोनों में ही आ, तो आ, एक और चीज़ है कि अगर आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ हैं आपको कैसे पता लगेंगे दिस इज़ आर वेबसाइट्स इन ऑप्शिजाइस डॉट इन यहाँ पर आप ऑप्शनल्स में जाओगे तो पी एस आई आर ऑप्शनल कोर्स में जो भी आपको डिटेल चाहिए अबाउट दिस कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी आप फ्री मटीरियल पर क्लिक करना तो यहाँ पर आपको ये फ्री मटेरियल यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इसमें ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है कोर्स भी पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए अवेलेबल है तो यहाँ पर क्या है आपको डाउनलोड करोगे ये वाली पी में आपको पता लग जाएगा वेटेज वगैरह क्या रही है कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रेपिटेटिव हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये सब आपको यहाँ से पता लग जाएगा क्वेश्चन किस तरीके के अब हम देखते हैं पेपर वन यूनिट इलेवन तो ये जो पी डी एफ मैंने अभी आपको डाउनलोड करने के लिए बोली थी ये वही सेम पी डी एफ है उसी में से हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि कहाँ मिलेगी तो अगर आपको वो मैच करना है ना कि कहाँ मिलेंगे ये वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से रिपीट हुए हैं कौन सी यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन आया है तो ये आपको बुकलेट वहीं पर वेबसाइट पर आप जाओगे ना तो वो बुकलेट वहाँ से डाउनलोड कर लेना ये वही सेम बुकलेट है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है अच्छा एक चीज़ है यूनिट वन इंडियन नेशनलिज्म सबसे पहले तो ना आप सिलेबस को आपको पढ़ना है तो सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हुए हैं छोटे से छोटा वो सारा आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है क्योंकि मेन क्वेश्चन तो उसी में से बनते हैं फिर अब इन टॉपिक्स में से भी क्या क्वेश्चन फर्दर क्वेश्चन बन सकते हैं या यू क्या पूछ सकता है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि इस टॉपिक में से फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह अभी ऐसे अगर आप देखते हो तो इस टॉपिक में से आपको क्या पता लग रहा है कि क्या पूछा गया होगा ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या क्या पूछ सकता है यू बट अगर आप फिर उसके लिए ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं कि रिवोल्ट ऑफ एटीन पे पूछ लिया सत्याग्रह स्ट्राटजी पूछ ली है ठीक है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो आपको वो थोड़ा सा ना आइडिया मिलता है यू पी के ने पूछा क्या है क्योंकि इंडिया ने हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है और एग्ज़ाम क्लियर होने के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि यू पूछ क्या रहा है तो इधर उधर की टेस्ट सीरीज लगाने से बढ़िया यही है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो ठीक है कि क्या पूछ रहा है और क्या हमें तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो हम सिलेबस के टॉपिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रैटीज़ ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आ, साफ लिखा है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मिलिट्री एंड मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पेजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट्स अब पेजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट्स बहुत क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है आपका क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन था वर्कर्स मूवमेंट्स इन इंडिया को एनालाइज करना है इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ये पूरा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड चल रहा है यहाँ पर वर्कर्स मूवमेंट पूछा हुआ है बहुत क्लियर कट क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है जो नया पूछ लिया है ठीक है अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेगा तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें पेजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट्स के क्वेश्चन को एनालाइज़ करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो ये 2022 का जैसे ये क्वेश्चन है एनालाइज द वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड तो ये एक क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है तो ऑल दो वर्कर्स मूवमेंट्स पे पहले कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ बट अगेन एंड अगेन हमने हर लेक्चर में यही बोला है कि अगर सिलेबस में पेजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट दोनों हैं तो आपको पेजेंट मूवमेंट्स भी प्रिपेयर करना है और वर्कर्स मूवमेंट भी प्रिपेयर करना है तो सिलेबस का ही टॉपिक है जो रिपीट हुआ है तो अगेन यहाँ पर अभी ये बात प्रूव होती है कि सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस जो हम हर लेक्चर में बोलते हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है वर्कर्स मूवमेंट पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया कुछ घुमा के भी नहीं पूछा है यहाँ पर ठीक है अब क्वेश्चन पूछा है प्रीएम्बल पे अगेन प्रीएम्बल भी सिलेबस का पार्ट है इस पर भी क्वेश्चन पूछना बनता है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स इट सेल्फ एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इल्यूसी तो पेपर वन यूनिट थर्टीन में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले तो ये सिलेबस का ही पार्ट है यहाँ पर आप यूनिट थर्टीन में देखो सेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला ही प्री है प्री के क्वेश्चन देखते हैं तो प्री में दो में जैसे न्यू इकनॉमिक पॉलिसीज पूछी गई थी नाइनटीन की तो सोशलिस्ट वर्ड का रेलिवेंस पूछा गया फिर सेक्युलरिज्म पूछा गया 2015 में फिर दो हज़ार में पूछा गया था कि प्रोविजंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सेक्ुलररिज्म के अगेन कंटेक्स में पूछा गया था 2013 में सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियाम्पल पूछा गया था सेक्लरिजम पे अगेन 2011 में भी पूछा गया 2010 में पूछा गया माइनॉरिटीज़ के ऊपर सेक्युलरिज्म अगेन ठीक है दो हज़ार आठ में टाइप ऑफ गवर्नमेंट एनश्राइंड इन प्रीएम्पल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2004 में मेन प्रिंसिपल्स पूछे गए थे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये आपका क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है और ये आपका क्वेश्चन ये आंसर करेगा जो आपके 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स इट सेल्फ एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एल्यूसीडेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारे अभी लेक्चर्स चल भी रहे हैं राधा जितने भी अभी हम यूनिट्स डिस्कस कर रहे हैं पी के लेक्चर्स जो चल रहे हैं आप पी के प्लेलिस्ट देखना उसमें देखो आप लेक्चर्स में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ाया हुआ है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस बार तो लॉक का भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछा हुआ है तो दो क्वेश्चन आ गए हैं इन अ वे तो अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप देखो तो क्या होता है कि अगर सिटीजन्स जो होते हैं उनको भी कुछ चीज़ चाहिए होती है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट को भी बदले में चीज़ चाहिए होती हैं सिटीजन से तो यहाँ पर क्या है सिटीजन्स अपने कुछ राइट्स कुछ पावर्स देती हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट से एक प्रोटेक्शन मांगती हैं तो यहाँ पर क्या दोनों का फ़ायदा हो रहा है एक काइंड kind ऑफ of एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है दोनों ही लोग ठीक है तो प्रियाम्बल भी वही सेम चीज़ है इसी के बारे में पूछा हुआ है तो प्रीएम्बल में भी वही सेम चीज़ें ही तो लिखी हुई हैं कि हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं इंटीग्रिटी यूनिटी आपकी सेक्युलरिज्म uh, तो ये सब चीज़ें यहीं पर ही लिखी हुई है प्रीएम्बल में तो अभी प्रीएम्बल भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है एक काइंड ऑफ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही तो है कि हाँ इस, इस चीज़ का पालन होगा ठीक है तो एज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया हम लोगों को भी इन सब चीज़ों से अबाइड करना है ठीक है तो यहाँ पर वही सेम चीज़ों के बारे में बात की है अगर आप मेन प्रिंसिपल्स यहाँ पर ये यह क्वेश्चन अगर आप करके गए हो 2004 का क्वेश्चन है मेन प्रिंसिपल्स एम्बॉडीड इन द प्रम्पल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लोग ऑलरेडी सिनॉपसिस के नोट से पढ़ के गए होंगे वो ये आंसर सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सिग्निफिकेंस क्या है मेन प्रिंसिपल्स की और डू यू थिंक दैट दे आर द पॉलिटिकल हॉर्स्कोप ऑफ द कंट्री ओके तो ये क्वेश्चन बस लैंग्वेज चेंज्ड है अदरवाइज क्वेश्चन सेम है आंसर सेम रहने वाला है इसमें आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे स्टार्टिंग में कि होता क्या है ठीक है कोई भी आप क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है सबसे पहले आप उसका ना इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दोगे चीज़ों की जिस भी बारे में पूछा हुआ है उसके बारे में उसका डेफिनेशन दो ऐसे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियांबल अगर आप देखते हो तो अगेन ये वाला क्वेश्चन से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है तो अगर आप नोट्स करके गए हो जो भी लोग नोट्स पढ़ के गए थे उनके आंसर्स बनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ हाउस विदाउट एनी इफेक्टिव पावर्स कमेंट के लेजिलेटिव काउंसिल जो है वो ऐसा हाउस है जिसकी कोई इफेक्टिव पावर इनके पास नहीं होती पेपर वन यूनिट फोर्टीन का क्वेश्चन है ये सिलेबस का पार्ट है अगेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एनविसाज रोल एंड एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूव लेजिस्टिव सुप्रीम कोर्ट बाकी सेक्शन बी है इसका स्टेट uh, गवर्नमेंट का जिसमें अगेन वही सेम चीज़ है एग्जीक्यूटिव लेजिलेटिव एंड हाई कोर्ट अब ऑल द कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है लेजिस्लेटिव पे बट अगेन सिलेबस का पार्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल करके जाना है तो लेजिस्लेटिव रोल इन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज़ लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ अब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो नाइनटीन नाइनटी फाइव का ही क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ अ लेजिस्लेचर इज नॉट मेयरली मेकिंग ऑफ लॉज वॉट अदर फंक्शन आर एक्सपेक्टेड ऑफ अ मॉडर्न लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर के बारे में आप लिखोगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्लूड करके यहाँ पर लिखोगे तो अगर आप ये क्वेश्चन करके गए हो सिनॉप्सिस के नोट्स में जरूर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर मिल जाएगा ऑल दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ है बट इनडायरेक्टली नाइनटीन नाइन्टी फाइव का एक क्वेश्चन है जो कि हमने अपने नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल पर नवे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है थोड़ा सा घुमा के पूछा है यहाँ पर क्या बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया है तो लेजिलेटिव काउंसिल इज़ अ हेड हाउस विदाउट एनी इफेक्टिव पावर्स गट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज़ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज एंड एम्पावर्ड बॉडी एस इज इट्स रोल इन द कंटेक्स ऑफ राइजिंग डिमांड फॉर बैकवर्डनेस अमंग डोमिनेंट कम्युनिटीज अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज कितनी एम्पावर्ड बॉडी है इसके बारे में लिखना है और uh, जितना भी बैकवर्डनेस का डिमांड और बढ़ता जा रहा है डोमिनेंट कम्युनिटीज में भी कि हम भी बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं और क्या रोल है आ, इनका तो नेशनल कमीशन फ़ॉर बैकवर्ड क्लासेस का क्या रोल है तो इसके बारे में आपको लिखना है अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन यू ने पी में एटलीस्ट नहीं पूछा है बट जी एस में ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बैकवर्ड क्लासेस पे तो वहाँ से भी आप करके जा सकते हो बट अगेन ये सिलेबस का ही एक टॉपिक है तो इसी वजह से ये कोई ऐसा आउट ऑफ द ब्लू नया क्वेश्चन नहीं पूछा है तो आप यूनिट uh, सिक्सटीन में जब आप जाओगे पीडीएफ खोल के आप एक बार देखना स्टैटेटरी इंस्टीट्यूशंस और कमीशन इलेक्शन कमीशन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फिनांस कमीशन यूपीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स नेशनल कमीशन फॉर वीमेन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन तो Uh, जिन लोगों ने पुरानी पीडीएफ भी डाउनलोड करके रखी है और जिनके पास नोट्स भी है उनको पता है कि हम जब भी जैसे जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं हम यहाँ पर मेंशन करते हैं और नीचे लिख देते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा दैट नो क्वेश्चन बीन नास्ट बट स्टिल उसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा है तो हम उसमें नीचे ये लिख देते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है बट उसको कवर ज़रूर कराते हैं अपने नोट्स में Uh, जैसे आप यहाँ पर देख लो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेंशन भी नहीं करेंगे या इसको पढ़ के ही नहीं जाएंगे अभी तक नहीं पूछा है क्या पता नेक्स्ट ईयर पूछ लिया जैसे कि अभी ये नेशनल कमीशन नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा था तो अभी तक हमने यहाँ पर यही लिखा था नो क्वेश्चन आस्ट बट सिंस अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया है एक क्वेश्चन 2022 में ये पूछा है कि हाउ फार इज़ द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज एंड पावर बॉडी तो यहाँ पर हमें ये मेंशन किया है और इसके बारे में हमने नोट्स में भी मेंशन किया है तो नोट्स में नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आपको मिल जाएगा अगेन ये सेम चीज़ ये फाइनेंस कमीशन के, के केस में भी यही था हमने यहाँ पर मैंशन किया था दैट नो क्वेश्चन आज बट आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करके जाना है नोट्स में मिल जाएगा तो इस बार पूछ लिया जैसे दो में फोट फोर्टीथ कमीशन पे पूछ लिया फिनेंस कमीशन पे आज तक नहीं पूछा था तो अब पिछले चालीस साल में नहीं पूछा इस बार पूछ लिया तो सिलेबस करके जाना इसीलिए ज़रूरी है एक सिलेबस आप करोगे अगेन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन एंड अगेन जब भी हम एक बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं ना इसका मतलब यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना इसको आप किसी भी हालत में मिस कर ही नहीं सकते हो इसके बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाते रहो कोई इतना मैटर नहीं करता अच्छा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी आपको लिखने की एक फ्लेयर चाहिए प्रैक्टिस चाहिए ठीक है बट उससे पहले आप सिलेबस का एक एक टॉपिक अच्छे से लिख लिख के देखो प्रैक्टिस करो और जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें कुछ अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस एग्जैक्टली exactly जानने हैं कि क्या पूछ रहा है कि थिंकर पे भी क्या पूछ लिया या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी क्या पूछ रहा है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप रेफ़र करो और उसको प्रैक्टिस कर करके देखो तो सबसे पहले आपको ये दोनों चीज़ें कवर करनी है फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो टेस्ट सीरीज़ अपना साथ साथ भी लगाते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है एक फ्लेयर आता है अच्छी बात है वो प्रैक्टिस करके देखना तो फोर्टीन फाइनेंस कमीशन भी देख लेते हैं एक बार कि इस पर भी क्वेश्चन पूछा था जैसे डिस्कस द पॉलिसी पॉिसी ऑफ द फोर्टीथ फाइनेंस कमीशन एम टू प्रमोटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया ठीक है तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फोर्टीन फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन uh, पूछा हुआ है पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं फोर्टीन फाइनेंस कमीशन में जिससे कि हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो इंडिया में ठीक है उस पर क्वेश्चन पूछा था आज तक नहीं पूछा था अब पूछ लिया नेक्स्ट क्वेश्चन है

इन्वायरमेंट को बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है ठीक है तो एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उनका फेलियर देखा जा रहा है तो इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर वन यूनिट एटी में मिलेगा आपको सिमिलर क्वेश्चन एनवायरमेंटल मूवमेंट पे पहले भी पूछा हुआ है यू ने ये है यूनिट एटीन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो इसी में आपको सारे मिल जाएंगे नेहरूवियन एंड गांधी परस्पेक्टिव द रोल फॉर प्लानिंग पब्लिक सेक्टर ग्रीन रेवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म्स एंड अग्रेडियन रिलेशन लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो अब आप लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पर 2009 का क्वेश्चन आप देखो द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैव चैलेंज द पॉलिसी एंड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एनालाइज विद एग्जाम्पल बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर क्या है ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया और यहाँ पर ऑपोजिट हो गया बट कंटेंट आपका मोरऑल एस सिमिलर रहने वाला है यहाँ पर क्या बोला है कि एनवायरमेंटल मूवमेंट जितनी भी चल रही हैं उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चैलेंज किया है उसके पॉलिसी और पैटर्न को पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ये चीज़ बतानी है यहाँ पर क्या पूछा है कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और कंजम्पशन पैटर्न इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि यहाँ पर एनवायरमेंटल मूवमेंट का थोड़ा फेलियर दिखाई दे रहा है ठीक है पोस्ट लिब्रलाइजेशन पीरियड में तो क्वेश्चन मोर और लेस सिमिलर लाइन्स पे है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इकनॉमिक पैटर्न इंक्लूड करने इकनॉमिक पैटर्न एन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इंक्लूड करनी है इसी के बारे में पूछना है ये क्या है ये पहले का क्वेश्चन है तो पहले क्या हुआ था एन्वायरमेंटल मूवमेंट चली थी और इकनॉमिक पैटर्नस को उन्होंने चैलेंज किया था बट विद टाइम क्या हुआ ये क्या है इस चीज़ का 2022 का क्वेश्चन 2009 के क्वेश्चन का रिजल्ट है कि अब एनवायरमेंटल मूवमेंट जितनी भी चली थी उन्होंने चैलेंज तो किया बट वो कहीं ना कहीं फ़ेल हो, होती दिखाई दी बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो इतना अच्छे से डेवलप करती रही थी क्योंकि कंजम्पशन पैटर्नस हमारे बड़े हैं कम नहीं हुए इस वजह से एनवायरमेंटल मूवमेंट्स फ़ेल हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्टोरल बिहेवियर ऑफ वोटर्स इज गवर्नड मोर बाय द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स देन द पोलिटिकल फैक्टर्स एक्सप्लेन तो बेसिकली यहाँ पर पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रल बिहेवियर है वोटर्स का वो सोशल और इकनॉमिक फैक्टर्स से ज़्यादा घपन होता है पॉलिटिकल फैक्टर से कम होता है जैसे कि आ, आपने कभी सुना होगा कि आ, हमारी फैमिली में तो हम लोग इसी पार्टी को वोट देते हैं इसीलिए हम लोग इसी पार्टी को वोट देंगे तो वो चीज़ चलती है ना तो क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स और ना इन्वॉल्व है उसमें उसमें बेसिकली सोशल फैक्टर इन्वॉल्व हो गया कहीं कहीं इकनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है जैसे कभी लगता है कि ये वाली पार्टी आ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी तो इस वजह से ये हम इसको वोट नहीं देंगे ये यहाँ पर हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है जब ये पार्टी आती है तो हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे दूसरी पार्टी को वोट करेंगे तो यहाँ पर क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स का रोल बहुत ही मिनिमम देखा गया है इलेक्ट्रल बिहेवियर के वोटर्स का क्या रहेगा वोटर कहाँ जाएंगे वो चीज़ सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स से ज़्यादा डिटरमाइन की जाती है इसी के बारे में आपको लिखना है तो पेपर वन यूनिट ट्वेंटी में अगेन इलेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ वोटर्स सिलेबस का पार्ट है और सिलेबस के टॉपिक में ही है ये तो तो इस पे क्वेश्चन आना बनता था और पेपर वाइम यूनिट ट्वेंटी में प्रसायर क्वेश्चन में भी ये पूछा हुआ है सो यूनिट ट्वेंटी इज़ पार्टी सिस्टम नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्टीज देन पैटर्नस ऑफ पॉलिशन पॉलिटिक्स प्रेशर ग्रुप्स ट्रेंड्स इन इलेक्टरल बिहेवियर तो इलेक्ट्रल बिहेवियर पर बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है सिलेबस का पार्ट है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड चेंजिंग इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिटर्स तो हम ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर वाले क्वेश्चन एक बार देखते हैं सो इज ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर में 2021 में ही देखो क्वेश्चन पूछा था और इस साल दोबारा पूछा है 2021 में क्वेश्चन ये पूछा है कि इलेक्ट्रल सिस्टम का इम्पैक्ट क्या है क्लीवेज़ क्या होती हैं पार्टी सिस्टम्स को शेप करने में विद रेफरेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज ठीक है फिर 2019 में भी पूछा था तो ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में से तो क्लियरली टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट पूछा था इलेक्ट्रल बिहेवियर में तो अगेन ये भी सोशल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में आप लिखोगे तो ये क्या है सोशल इकोनॉमिक परस्पेक्टिव जब बोले जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या जो छोटे छोटे से आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन्हीं क्वेश्चंस को एक एक टॉपिक बना के वन टू थ्री एक एक पॉइंटर बना के आपको एक्सप्लेन करना है तो कास्ट किस में आ जाएगा सोशल फैक्टर्स में आएगा तो वो डिटरमाइन कर रहा है अगर इलेक्ट्रल बिहेवियर को तो ऑब्वियसली ये एक आपके जो रिसेंट क्वेश्चन है अभी जो पूछा गया है तो उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूड होगा ही होगा फिर इलेक्ट्रल सिस्टम का क्या इम्पैक्ट रहा है ठीक है ये क्वेश्चन भी आप इन अ वे थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हो Uh, उसके बाद यहाँ पर स्टेट सबवेंशन और फंडिंग में भी एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन सरेंडरिंग इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इन इंडिया अगेन फंडिंग आ गया तो ये भी एक पॉइंटर बन जाएगा आपका नेचर ऑफ़ रिफॉर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रल प्रोसेस इन इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी रेलिवेंट uh, बनता है ये 2014 का क्वेश्चन है 2022 में काफ़ी पॉइंटर्स आप यहाँ से ले सकते हो ये मैं आपको इस बेसिस पे बता रही हूँ क्योंकि नोट्स हमने जो प्रिपेयर किए हैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखे एक एक क्वेश्चन को बेस बना के वहाँ पर आंसर्स इंक्लूड करके और आ, नोट्स बनाए हुए हैं तो अब अभ, अभी आप उन नोट्स को रेफर करके चलोगे इस क्वेश्चन Uh, को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा नोट्स में कि ये सारे पॉइंटर्स यहाँ से हम कुछ कुछ पॉइंटर्स उठा के और अपना क्वेश्चन कर सकते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिमिलर है वो है दो का क्वेश्चन आया था चेंजिंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रल बिहेवियर इन इंडिया ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेपिटेटिव क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो 2022 में भी ये सेम चीज़ पूछी है अब uh, दो हज़ार नाइनटीन का एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ इंडियन वोट्स इज़ मोरोलेस कास्ट एडन इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स तो ये क्वेश्चन भी मोरलेस से सिमिलर लाइन्स पर है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रोल ऑफ कास्ट बताना है तो अगेन ये सोशल फैक्टर्स में आ गया यहाँ पर पूछा गया इस बार इलेक्ट्रेल बिहेवियर ऑफ वोटर्स इज गवर्न मूव बाय दोशल इकनॉमिक फैक्टर्स एन द पॉलिटिकल फैक्टर्स एक्सप्लेन यहाँ पर आपको पॉलिटिकल फैक्टर्स से क्यों नहीं है गवर्नड उसके बारे में आपको थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर ऐड करने होंगे ठीक है तो यहाँ पर यह पूछा गया था सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डॉक्टरीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इन्हेंस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरीन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसने जुडिशियल रिव्यू का जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है उसको इन्हेंस किया है और ज़्यादा पेपर वन यूनिट थर्टीन में ये क्वेश्चन मिल जाएगा और ये uh, आपके सिलेबस का भी पार्ट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है अवेलेबल ठीक है तो इसके लिए आपको दोनों ही चीज़ें अगेन सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों की ही नीड पड़ेगी दोनों में है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट नहीं है अब यहाँ पे पर पेपर वन यूनिट थर्टीन अगेन वही जो सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में क्वेश्चन पूछा हुआ था वही सेम ही टॉपिक है इस पर एक और क्वेश्चन पूछा है इसी सेम यूनिट से जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरिन के ऊपर तो अगेन सिलेबस का पार्ट है पूरा पूरा टॉपिक ही है ये तो इस पर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन आया है ठीक है इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन अपना क्या है जुडिशल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरीन तो ये रिसेंट क्वेश्चन है कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पावर जो है कैसे इन्स हुआ है अब इस पर दो में भी क्वेश्चन पूछा था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन इज इम्प्लिसिड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओनली गिवन इट एन एक्सप्लिसिट फॉर्म ठीक है अगेन रेपिटेटिव क्वेश्चन है एफिकेसी ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया दो में क्वेश्चन पूछा था फिर डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड 2012 में भी पूछा हुआ है ये चीज़ आपकी केशवानंद भारती केस पूछा हुआ है और नाइन्टी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है तो ये क्या बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन नहीं आने का अभी कोई रीजन मुझे नहीं पता तो अभी पेपर देखोगे कंपैरेटिवली काफ़ी इजी पेपर आया है इतना डिफिकल्ट आया नहीं है तो डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ़ द इंटर स्टेट काउंसिल टू वॉट एक्सटेंट हैज़ दिस बॉडी बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स ऑबजेक्टिवस पेपर वन यूनिट सेवेंटीन में तो बेसिकली इंटर स्टेट काउंसिल के कॉम्पोजिशन फंक्शन वगैरह बताने हैं यहाँ पर इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स है यूनिट सेवन फेडरलिज्म में तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इस पर क्वेश्चन आएगा बट अगेन uh, बहुत ज़्यादा रेपटेशन तो नहीं हुआ इसमें इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स है उन पर क्वेश्चन पूछा हुआ है इंटरस्टेट काउंसिल पर अभी ये पहला क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन फंक्शंस पूछे हुए ठीक है तो ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बट अगेन इंटरस्टेट काउंसिल मेन्स में काफ़ी बार पूछा हुआ है तो अगेन ऐसा कुछ नहीं है आउट ऑफ द ब्लू कुछ और पूछ लिया नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है आपका यूनिक फीचर्स ऑफ द सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अगेन पुराना क्वेश्चन है कोई ऐसा नया क्वेश्चन नहीं है या आउट ऑफ द ब्लू नहीं पूछा हुआ है पुराना क्वेश्चन है सिलेबस uh, का भी पार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है डू यू थिंक दिस अमेंडमेंट वुड कॉन्ट्रीब्यूट इन अचीविंग द गोल ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो ये हमें बताना है ठीक है कि इस अमेंडमेंट से आ, आपको लगता है कि मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का कुछ एम्पावरमेंट हुआ है तो वो हमें बताना है पेपर वन यूनिट फिफ्टीन में आपको ये मिलेगा तो पेपर वन यूनिट फिफ्टीन है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट द significance ऑफ सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ movement. ग्रास रूट मूवमेंट तो सिग्नीफिकेंस ऑफ सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ तो इसमें तो आपको मिल ही जाना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन uh, एक बार देख लेते सिग्निफिकेंस ऑफ सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए है, हैं 2020 में क्वेश्चन पूछा था सेवेंटी थर्ड uh, amendments फोर्थ अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowerment. वेमेन दो हज़ार में पूछा हुआ था अगेन वेमेन इन पंचायत पे 2006 में पूछा हुआ था इम्पैक्ट ऑफ 73rd थर्ड amendment. अमेंडमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दो हज़ार पाँच में रोल ऑफ ग्राम सभा सेवनटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट ठीक है फिर दो हज़ार दो में क्वेश्चन देखो आप एक बार ब्रिंग आउट द कॉमन एंड यूनिक फीचर्स ऑफ द सेवेंटी थर्ड एंड सेवनटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जामिन दूनिक फीचर्स ऑफ द सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो कितना अलग क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि यहाँ पर पूछा था 2002 में पूछा था कि कॉमन एंड यूनिक फीचर और 2022 में पूछ लिया है सिर्फ यूनिक फीचर कॉमन पूछा ही नहीं है ना तो इस सिमिलर लाइंस पर ही है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अलग अनोखे क्वेश्चंस नहीं आते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पर पूछा हुआ है एडिशन में कि डू यू थिंक दैट डीज अमेंडमेंट्स वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ जेंडर एंड सोशल जस्टिस एट द ग्राउस टूट लेवल अब यहाँ पर देखो डू यू थिंक दिस अमेंडमेंट वुड कोंट्रीब्यूट इन अचीविंग द गोल ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो देखो आप सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है लास्ट वाली लाइन की हल्की सी लैंग्वेज चेंज है सिमिलर क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लोग कहते हैं कि रिपीट नहीं होते आप प्लीज़ ये चीज़ देख के एटलीस्ट समझो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर एक क्वेश्चन में मैं आपको दिखा रही हूँ टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं सिलेबस के टॉपिक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं इनफैक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ दो में है आप पुराने क्वेश्चन भी तो देखो कैसे रिपीट हो रहे हैं पहले हर साल के क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो पूछे ही हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर रिप्रेजेंट्स द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस एग्जाम पेपर वन यूनिट फोर्टीन में आपको ये मिलेगा तो इसी टॉपिक में आपको यूनिट फोर्टीन में एक और क्वेश्चन पूछा था लेजिस्टिव काउंसिल के ऊपर इसी टॉपिक पे आपको एक और क्वेश्चन आपके आपसे पूछ लिया तो इसमें हम लोग देखेंगे देखो एग्जेक्यटिव सिस्टम इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये जो टॉपिक है इसी के अंडर आएगा ये स्पीकर भी क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट आ जाता है आपका प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टॉपिक आता है फिर स्पीकर का टॉपिक इसमें इसमें इसी में ही आएगा बेसिकली स्पीकर पे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा तो नहीं है पुराना कोई बट इस बार एक क्वेश्चन पूछ लिया है तो अगेन स्पीकर करके जाना जरूरी है 2022 का ये क्वेश्चन पूछा था कि स्पीकर रिप्रेजेंट्स ऑफ तो फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है बट एक नया क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ द फोर्टीन फाइनेंस कमीशन एम टू वर्ड्स प्रमोटिंग एंड स्ट्रेंथिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंड इंडिया ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फाइनेंस कमीशन में से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया था बट इस बार पूछ लिया गया और हम लोगों ने अपने नोट्स में भी कवर किया हुआ है और ये जो बुकलेट थी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उसमें भी ये कवर्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन uh, है एथनीसिटी इज द अंडरलाइंग कॉज विच पोजेज अ ग्रेट चैलेंज इन द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया गवर्मेंट पेपर वन यूनिट नाइनटीन में ये मिलेगा पुराना क्वेश्चन है नया क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रेपेटेटिव है कि एथनीसिटी जो है वो एक कॉज है जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन की प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही है तो एथनीसिटी तो सिलेबस के टॉपिक का ही पार्ट है यूनिट नाइनटीन कास्ट रिलीजन एंड एथनीसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स इस पर हम लोग क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं एथनीसिटी पे अभी 2022 का तो ये बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट रीजन की प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही है uh, तो एथनीसिटी इसका प्रॉब्लम है तो अब आप देखो 2018 में क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामिन एथनिक कन्फ्लिक्ट बताने हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के फिर दो uh, हजार में था ट्राइबल पीपल्स मूवमेंट चल रहा था नॉर्थ ईस्ट रीजन का एथनिक सेपरेटिज़म दो हज़ार तेरह में था फिनोमिनल ऑफ एथनिक पॉलिटिक्स इन इंडिया इन रीसेंट टाइम्स तो अगर आप ये 2018 वाले क्वेश्चन को देखोगे अगर आप ये करके गए हो क्वेश्चन नोट्स करके गए हैं जो लोग उनको पता होगा इसका आंसर सिंपल है दो का क्वेश्चन आप देखोगे अगर आप ये सॉल्व कर सकते हो तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन सिमिलर लाइन्स पर ही है सिमिलर पॉइंटर्स जो पॉइंटर्स आप यहाँ पर मैंशन करोगे वही पॉइंटर्स आप यहाँ भी मेंशन करोगे वन टू थ्री फोर पॉइंटर्स आपको याद करके जाने होते हैं इतना टाइम किसी के पास नहीं होता वहाँ पर बैठ के आप याद करोगे रट के जाओ या याद करके जाओ समझ के जाओ तो पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने होते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन आया है इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन अटैम्प्ट टर्ड सोशल रेवोल्यूशन सोशल रेवोल्यूशन की तरफ एक अटम्प्ट है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉमेंट पेपर वन यूनिट ट्वेल्व में मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन है दिस इज यूनिट ट्वेल्व मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल परस्पेक्टिव तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कुछ अलग तो नहीं है बट सोशल एंड पॉलिटिकल परस्पेक्टिव में ही आएगा जिसमें है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन अटम्प टूवर्स सोशल रेवोल्यूशन कॉमेंट तो सोशल रेवोल्यूशन की तरफ एक अटैम्प्ट है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 2021 का ये आप एक क्वेश्चन देखो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फेस द ग्रेट टास्क ऑफ फोर्जिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी इन द फेस ऑफ अनपैरल सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया तो अगेन सोशल कल्चरल परस्पेक्टिव यहाँ पर मैंशनड है दो के क्वेश्चन में आप पॉइंटर्स में मैंशन करोगे दो के पॉइंटर्स में आप सोशल रेवोल्यूशन की तरफ क्या क्या सोशल पॉइंटर्स कल्चरल आइडेंटिटी के पॉइंटर्स आपको मैंशन करने पड़ेंगे तो बहुत ही सिमिलर लाइन्स पर ये क्वेश्चन आया है बहुत अलग नहीं है दो हज़ार बीस का आप ये क्वेश्चन देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कंसर्नस द ऑन सोशल इनकॉलिटी ठीक है सोशल रेवोल्यूशन की तरफ एक अटैम्प्ट है सोशल रेवोल्यूशन में क्या क्या पॉइंटर्स आ सकते हैं सोशल इनइक्वालिटी का पॉइंटर भी आएगा इसमें ठीक है तो ये आप मेंशन करोगे Uh, 2019 का क्वेश्चन आप देखो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वॉज पर सिंगल अपोमोस्ट फैक्टर इन दी माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स इसको एक पॉइंटर बना के आप चलोगे ठीक है तो uh, काफी मतलब स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन हैं जो ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछे हुए हैं उन्हीं से आप पॉइंटर उठाओगे फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 का डोमिनेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है तो अगेन क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर लाइन्स पर आए काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन हैं ये तो आपके बहुत सारे पॉइंटर्स बना देगा ये क्वेश्चन दो हज़ार आठ का काफ़ी सिमिलर है ठीक है तो मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आए थे सोशल रेवोल्यूशन कैसे है ये तो इन सब के बारे में ही एक्सप्लेनेशन देनी है जो कि ये सब क्वेश्चन मिला करके एक अच्छा आंसर बन बन जाएगा आपका इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट क्या था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ठीक है तो ये सारे पॉइंटर्स ही हैं आपके जो कि आपको लेकर चलने हैं तो सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन इंक्लूड होगा अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट द रीजनल पार्टीज हैव स्ट्रेंथन इंडियन डेमोक्रेसी एंड फेडरल सिस्टम रीजनल पार्टीज ने इंडियन डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन किया फेडरल सिस्टम को कैसे स्ट्रेंदन uh, किया इसको आप सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना है पेपर वन यूनिट ट्वेंटी में आपको मिलेगा सिलेबस का पार्ट है यूनिट ट्वेंटी में सिलेबस uh, का ही पार्ट है ये पार्टी सिस्टम नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो आप यहाँ पर नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ देखोगे तो ये पूछा है ना कि uh, कैसे रीजनल पार्टीज़ ने इंडियन डेमोक्रेसी फेडरल सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है दो तो हज़ार अठारह का आपके क्वेश्चन देखो इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इन नेशनल पॉलिटिक्स अगेन ये क्वेश्चन से आप ये सॉल्व कर सकते हो कर सकते हो बिल्कुल कि क्या रोल है र, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो इसमें ऑब्वियसली जो पॉइंटर्स आप इसमें मेंशन करोगे वही सिमिलर पॉइंटर्स इसमें भी आएंगे क्योंकि रोल आप लिख रहे हो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रोल इसमें इंक्लूड करोगे इंडियन डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंदन किया है तो जो भी रोल आएगा ना वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंक्लूड होगा ही होगा फिर uh, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ पे 2015 का राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनका रोल क्या है कंटेम्प्रेरी इंडिया में अगेन ये क्वेश्चन भी इंडियन डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करता है यहाँ पर आप लिखोगे ही लिखोगे ठीक है तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में जितने भी पॉइंटर्स होंगे वो वहाँ पर दो के क्वेश्चन में इंक्लूड होंगे दो में पूछा था इनस्टेबिलिटी ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स इज ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म में आप इसमें मेंशन कर सकते हो ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म के क्या फैक्टर्स हैं 1994 में पूछा था कि रीजनल ग्रुप ग्रुपिंग्स जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को थ्रेड कैसे करती है तो यहाँ पर ये इंस्टेबिलिटी और ये वाले पॉइंटस आपके क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे तो बेसिक यहाँ पर बात क्या हो रही है कि रेपिटेशन है क्वेश्चंस की बट ज़्यादा रेपिटेशन अगर 2022 के क्वेश्चन में आ, आप लोगे दो का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और दूसरी चीज़ दो का क्वेश्चन ये काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है तो अगर आप ये दोनों क्वेश्चन करके गए हो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है तो जिन लोगों ने अगेन नोट्स किए हैं उनको पता है ये चीज़